हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिव शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर, पॉलिनोमियल्स है। तो हम लोग बातें करेंगे पॉलिनोमियल्स, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा चैप्टर है और बहुत बेसिक चैप्टर है, जिसके बारे में हमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आगे चल कर के भी हमें क्या देता है, काम देता है। इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं, है ना। तो इसको बहुत केयरफुल्ली और बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ये चैप्टर, क्योंकि बेसिक है और आगे चल करके इसका काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, तो इसलिए इसको स्किप ना करें और बहुत अच्छे से पढ़ें, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पॉलिनोमियल्स। तो बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो अगर हम इसके नाम पर जाएँ, पॉलिनोमियल्स, तो सिंपली इसका नाम जैसा नाम है उसी तरीके से बेटा डिफाइन भी होता है। पॉली का मतलब होता है बेटा मेनी। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा? मेनी, जो हमको सिंपली हम पढ़ते हैं। नोमियल का मतलब होता है बेटा टर्म्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? मेनी टर्म्स, कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स। लेकिन उसमें भी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। अब हम टर्म की बात करें तो क्या होता है? तो जो हमारा टर्म होता है बेटा, वो एक टर्म किन किन चीज़ों से मिलके बनता है बेटा? वेरिएबल, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट से मिलके बनता है। जो टर्म होता है हमारा, वो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से मिलके बनता है। लेकिन बेटा पॉलिनोमियल के केस में कंडीशन ये होती है, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। बस बेटा, पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाए बेटा? पॉजिटिव इंटीजर हो जाए। तो हम जब पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इसमें कलेक्शन ऑफ मेनी टर्म्स, वो टर्म्स कैसे होने चाहिए बेटा? वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के कॉम्बिनेशन होते हैं टर्म्स। और बेटा जो होता है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, है ना बेटा। अच्छा, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, हम लोग क्या करेंगे, आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पॉलिनोमियल होता क्या है, तो जब हम इन वेरिएबल और कांस्टेंट को एक कर देते हैं तो उसे क्या बोला जाता है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट, वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट बाय एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एज प्लस, सब्ट्रैक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, है ना बेटा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कहा जाता है बेटा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है जब कोई वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, किसी एक सिस्टमैटिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से लिंक कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं बेटा? लिंक कर दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं। जैसे 2x+3 है ना, 2x एक वेरिएबल कांस्टेंट का टर्म है। जैसे कि बोल दें 2x+3, है ना बेटा। 2x+3 में यहाँ ध्यान से देखो तो ये भी कॉन्स्टेंट है और x क्या है बेटा? हमारा वेरिएबल है। और 3 भी हमारा क्या है बेटा? कॉन्स्टेंट है, है ना। 3 भी क्या है हमारा? कॉन्स्टेंट। क्लियर बेटा? अच्छा, ये कॉन्स्टेंट का मीनिंग यहाँ पे अलग है, ये कॉन्स्टेंट का मीनिंग यहाँ पे अलग है। यहाँ ये कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशन है? प्रोडक्ट का। कैसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है? प्रोडक्ट है। और इस टर्म
इस टर्म में ध्यान से देखिए क्या है बेटा, 2x है ना। तो इस टर्म 2x और 3 के बीच में कैसा ऑपरेशन है बेटा, एडिशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा है, एडिशन का। तो 2x plus 3 एक तरीके का कलेक्शन ऑफ वेरिएबल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट है, जो कि प्रोडक्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन और एडिशनल मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्या किया गया है बेटा, लिंक किया गया है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, है ना। कि हमने तो बात किया ना वेरिएबल और कांस्टेंट, तो वेरिएबल हम देख लेते हैं क्या होते हैं। वेरिएबल द सिंबल विच न्यूमेरिक वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, ठीक। द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन कर लें तो ज़्यादा अच्छा, द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ना बेटा, द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच न्यूमेरिक वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, है ना, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स ना हो, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू कांस्टेंट हटा करके फिक्स्ड, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स ना हो बेटा। जैसे हम बात करें एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई हमारा कांस्टेंट होता है, ये फिक्स्ड है, पाई हमारा क्या है बेटा, फिक्स्ड है। कितना होता है इसकी वैल्यू, 22/7 है ना, 22/7 या 3.14 जो भी। तो ये वैल्यू फिक्स है बेटा, ये बदलेगी नहीं, इसमें हम अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते। लेकिन R हमारा, R नॉट फिक्स्ड, ये किसी भी सर्कल की रेडियस हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसके लिए भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है उसके लिए भी हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। यानी वेरियस सर्कल के लिए हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं, तो वहाँ कुछ वेरिएबल होगा, कौन है, रेडियस। सारे सर्कल की रेडियस क्या हो रही है, बदल रही है। तो यहाँ पे आर क्या है बेटा, वेरिएबल है, नॉट फिक्स्ड, यानी ये क्या है हमारा, वेरिएबल है। क्लियर बेटा। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट जो होता है बेटा, द सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन विच न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स्ड है ना बेटा। ये दिखाने का सिंबल, ऐसा सिंबल होता है कि जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स्ड होती है। जैसे पाई यहाँ पे हमने बोला, तो पाई क्या है हमारा, फिक्स्ड वैल्यू क्या है बेटा, फिक्स्ड। तो इसका क्या होगा, कांस्टेंट। क्या हम बोलेंगे पाई को, कांस्टेंट। 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी ऐसा चीज़ है, कोई भी ऐसी वैल्यू जिस, कोई भी ऐसा सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जिसकी वैल्यू फिक्स हो, यानी वो बदलेगी नहीं, चाहे जहां लगाएं, चाहे जहां यूज करें, वो बदलना उसको नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट, ठीक। तो अब बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होगी, है ना। तो ये तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, आप लोग लिख लेना। अब हम पॉलिनोमियल की बात करें, तो पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा, एक एक्सप्रेशन होता है, ये भी एक तरीके का क्या होता है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, एक स्पेशल टाइप का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलिनोमियल्स की। तो पॉलिनोमियल्स हमारे क्या होते हैं बेटा, ये एक तरीके का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन पावर ऑफ वेरिएबल आर पॉजिटिव इंटीजर
एंड कोफी सीएंट, कोफी सीएंट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर विथ लीडिंग कोफी कोफिशियंट नॉन जीरो। क्लियर बेटा? ध्यान से देखिए, ये भी एक तरीके का स्पेशल अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ना। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो हमारे कई तरीके के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल और कांस्टेंट का रिलेशन, कोई भी किसी भी तरीके का वेरिएबल और कांस्टेंट का रिलेशन बन जाए, वो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। लेकिन उनमें से एक स्पेशल टाइप का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी पहली कंडीशन क्या होती है बेटा, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। किसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए? जो वेरिएबल उसमें दी, जो वेरिएबल हो उस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसकी पावर क्या होनी चाहिए बेटा, प्लस वन होनी चाहिए पहले से। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि जो उसका लीडिंग कोफिशियंट, लीडिंग कोफिशियंट का मतलब यह होता है कि जो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म हो, जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म हो उसे लीडिंग टर्म बोला जाएगा। जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसके बगल का जो कॉन्स्टेंट होता है वो जीरो नहीं होना चाहिए, है ना, वो नॉन जीरो होना चाहिए। कोफिशियंट क्या होता है, अभी हम आते हैं इन सब चीजों पर बात करेंगे एक एक करके। तो पहले हम जनरल इक्वेशन देख लें, जनरल इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल नोमियल, ठीक बेटा, किससे दिखाया जाता है, पी ऑफ एक्स से दिखाया जाता है। अभी इसकी भी मतलब बताएंगे, पी ऑफ एक्स से दिखाया जाता है ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 ए वन एक्स प्लस ए नॉट, है ना, ठीक बेटा। अब यहाँ ध्यान से देखें, लीडिंग कोफिशियंट, लीडिंग कोफिशियंट यानी कौन होगा बेटा, ए नॉट, क्योंकि सबसे बड़ी पावर ए एन है, फिर उसके बाद सब घट रही हैं। तो पहली कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए, ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना बेटा, ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। और यहाँ पे ध्यान से देख लेते हैं, सेकंड चीज हमारी क्या हो है बेटा, सेकंड चीज हमारी क्या है, an an माइनस वन डॉट 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 ए वन ए नॉट, ये क्या है बेटा, कोफिशियंट है, क्या है ये, कांस्टेंट अभी बोलते हैं, कोफिशियंट अभी हम पढ़े नहीं, ये क्या है, कांस्टेंट है, जो कि कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, किसी भी तरीके की रियल नंबर, बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना बेटा, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, है ना, ये क्या हो सकते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ओके। अच्छा, यहाँ से आपका क्या है बेटा, थर्ड चीज इसमें क्या दी है आपकी, n n माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट डॉट, ये क्या है बेटा, पावर है, क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल है, पावर ऑफ वेरिएबल है, है ना, जो कि केवल और केवल बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ये केवल और केवल क्या हो सकती है, एन एन माइनस वन एन माइनस टू, ये केवल एक पॉजिटिव इंटीजर ही हो सकती है, इसके सिवाय कुछ और नहीं हो सकता है। क्लियर बेटा? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है ना। अच्छा, ये रियल नंबर बिलोंग करता है बेटा, कुछ भी हो सकता है, रूट थ्री रूट फोर रूट फाइव कुछ भी हो सकता है ना, तो ये आपको याद रहे तो ज़्यादा अच्छा बेटा, नहीं तो फिर दिक्कत। एक चीज़ हमने यहाँ पी एक्स बोला, अभी बात कर लेते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीनोमियल। कोई पॉलीनोमियल क्या बेटा, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसी तरीके से दिखा जाता है, या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल देते हैं, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना बेटा, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, ये भी एक तरीके का अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है बेटा, बस इसमें तीन कंडीशंस ये आपको ध्यान देनी होगी, तब ये पॉलीनोमियल बोलोगे। कोई भी अल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेटा, पी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स कुछ भी और जी ऑफ एक्स कुछ ऐसे दिखाया जाता है। इसका मतलब क्या है, रीड कैसे करते हैं,
है ना। पी इज अ पॉलीनोमियल, पी इज अ पॉलीनोमियल इनवेरिएबल, इनवेरिएबल एक्स बेटा, है ना। इसका मतलब क्या है कि पी एक तरीके का क्या है बेटा, पॉलीनोमियल नहीं अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पी इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पी इज अ पॉलीनोमियल भी बोल सकते हो आप, कुछ भी बोल सकते हो। आगे चल के फिर इसको हायर क्लासेस में पी इज अ फंक्शन की तरीके से ट्रीट होगा, है ना। पी इज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलीनोमियल जो भी बोलो आप दोनों सही है, इनवेरिएबल, इनवेरिएबल एक्स। तो इसका मतलब ये होता है कि पी कोई अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है यानी कोई पॉलीनोमियल है जो कि किस वेरिएबल में है बेटा, एक्स वेरिएबल में। अच्छा, हम हमेशा वेरिएबल को इंडिकेट करते हैं, कांस्टेंट को इंडिकेट करने की कोई ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से ये क्या है बेटा, एफ इज अ पॉलीनोमियल या और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वेरिएबल एक्स। अगर मैं यहीं क्या लिख दूं बेटा, पी ऑफ वाई, तो इसका मतलब क्या है बेटा, पी इज अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल बोलूँ या एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूँ, दोनों बात एक है, इनवेरिएबल, इन इन वेरिएबल, इनवेरिएबल एक्स। ओके बेटा, क्लियर। चलिए, अब हमने बताया कि भैया अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलीनोमियल्स की बहुत बातें कर रहे हैं, देख लेते हैं कि पॉलीनोमियल कौन कौन से हैं। एग्जांपल्स लेते हैं बेटा, फर्स्ट एग्जांपल 2x² + 3x + 4, सेकेंड एग्जांपल 2x² + 3x² + 4, थर्ड एग्जांपल बेटा 4√x + 4x + 3, है ना। फोर्थ एग्जांपल बेटा 3x² + 7x + 2x². फिफ्थ एग्जांपल x² + 3x + 2/(x+1). सिक्स एग्जांपल बेटा देख लेते हैं हम लोग, है ना, x³+x² + 3x + 3x/(x+) बेटा, है ना। अब इनमें से हमको बताना है कि कौन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन पॉलीनोमियल है। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सब हैं बेटा, क्यों, क्योंकि देख लो यहाँ पे दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन से ये क्या है, लिंक्ड है सब एक दूसरे से, है ना बेटा। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो सबके सब है, जितने भी दिए हैं बेटा सारे के सारे क्या है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, बढ़िया बात, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब हमको बताना है बेटा कि ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्या यह पॉलीनोमियल है। पॉलीनोमियल की कितनी कंडीशन बेटा, दो कंडीशन, है ना। कौन सी, कि उसकी पावर, सबसे पहले कंडीशन उसकी पावर क्या होनी चाहिए, पावर क्या होनी चाहिए बेटा, प्लस वन होनी चाहिए। उसकी पावर कितनी होनी चाहिए, प्लस वन होनी चाहिए। और उसका कोफिशियंट कितना होना चाहिए बेटा, और लीडिंग टर्म यानी जो सबसे बड़ा, बड़ी पावर वाला टर्म है वो नॉन जीरो होना चाहिए। दो नॉन जीरो है, अच्छा वो ऑलवेज ही जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, क्लियर ना। चलिए, तो ये बेटा सारी कंडीशन इस क्या है, इनमें जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर क्या बेटा, पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है, टू पॉजिटिव इंटीजर, इसकी पावर वन क्या पॉजिटिव इंटीजर है, हाँ है। तो दिस इज अ पॉलीनोमियल, क्या है बेटा, पॉलीनोमियल है। यहाँ ध्यान से देखो बेटा, क्या इसकी पावर टू, अच्छी बात, लेकिन इसमें यहाँ ध्यान से देखिए x की पावर 1/2, है ना। पावर क्या 1/2 पॉजिटिव इंटीजर है, नहीं है बेटा, तो क्या होगा, नॉट अ पॉलीनोमियल, नॉट अ पॉलीनोमियल, क्लियर बेटा, कि ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 आ गई जो कि एक इंटीजर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी बेटा रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, 1/2। अच्छा, किसी भी एक टर्म में ना हो, एक कोई भी एक टर्म अगर डिस्टर्ब हो रहा है, किसी भी एक टर्म में x का कोफिशियंट यानी x की पावर प्लस नहीं आ रही है,
प्लस वन या पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रही है तो आप उसको पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। यहाँ तो x है पावर वन है लेकिन यहाँ रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब पावर वन बाई टू, तो ये भी क्या हो गया बेटा, नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर। सिमिलरली ये वाला देखे बेटा, एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, क्या सब की पावर पॉजिटिव इंटीजर है, चेक करते हैं, टू टू हाँ है, वन हाँ है, हाँ है, ये पॉलिनोमियल है, यस पॉलिनोमियल। क्लियर बेटा, पॉलिनोमियल है ना, तो यह है एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसमें वेरिएबल एक से ज्यादा, हाँ चलेगा, वो चलेगा बेटा, वेरिएबल एक से ज्यादा चलेगा, बट पावर उसकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। यहाँ देखो बेटा, सारी की सारी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन दिक्कत ये आई है बेटा, जो ये नीचे है x प्लस वन, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, इसकी पावर होल पावर क्या हो जाएगी, माइनस वन हो जाएगी बेटा, जो कि एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है ना। तो यानी ये जाएगा तो पावर इंटीजर होना डिस्टर्ब कर देगा, पावर इंटीजर में नहीं रहने देगा, इस कारण से इसको क्या किया जाता है बेटा, हटाना पड़ता है, यानी ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आते, नॉट अ पॉलिनोमियल। याद रख लें, अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल टर्म आया तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, है ना, अगर उसमें कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है तो यह पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है। आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल नेवर बी फ्रैक्शनल, है ना बेटा। यहाँ देखें, यहाँ डायरेक्ट देख करके हमको नहीं बोल देना है, यहाँ तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन पहले वाले में नहीं हो पा रहा था, यहाँ कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकते हैं, एक्स क्यूब अपान एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान एक्स प्लस थ्री एक्स अपान एक्स, ये नंबर है तो सबके सब में क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है बेटा, हाँ हो सकती है, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री, क्या इनकी पावर, अब चेक करिए ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया है, तो ये एस दिस इज अ पॉलीनोमियल बेटा, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखें, पावर टू पावर वन और ये थ्री कॉन्स्टेंट है, क्लियर ना। तो इस तरीके से हमको क्या करना है बेटा, चेकआउट करना होता है ना। कुछ क्वेश्चंस और ले लें, जैसे हमने दे दिया स्क्वायर रूट ऑफ थ्री एक्स की पावर फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस थ्री, क्या यह पॉलिनोमियल है, हाँ बेटा यस दिस इज अ पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल। क्यों बेटा, यहाँ कहोगे सर रूट है, अरे भाई इसका कोफिशियंट कुछ भी हो सकता है, उसके बगल में कांस्टेंट पे पावर चाहे जो हो, बस वेरिएबल की पावर हमको चेकआउट करनी है, कांस्टेंट की चेकआउट ही नहीं करनी है। क्लियर ना बेटा, समझ गए ना, आई होप आपको समझ में आ गया।